मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग का हमेशा की तरह मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ये ऋषि पंचमी के दिन का था। उस दिन मैंने यहाँ पे ऋषि पंचमी की पूजा की थी, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 7 ऋषि बनाए थे। तो ये वैसे रेत से बनाए जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे 7 सुपारी रखी थी और एक अरुंधति माता बनाया जाता है। तो ये पूजा मैंने बहुत सिंपल वे में की थी, क्योंकि मैं जॉब पे गई थी और जॉब से दोपहर में आई, उसके बाद शाम को फिर मुझे उसी काम से बाहर जाना पड़ गया। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने फिर सिंपल सीधी सादी पूजा की, और फर्स्ट टाइम था ना, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्या पूजा करते हैं। लोगों ने जो बताया उस हिसाब से मैंने पूजा कर दी थी। उसके बाद इस व्रत में कहते हैं मोर धन चावल की खिचड़ी या खीर खानी चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि मैंने कहा यार खिचड़ी तो मतलब खीर तो मैं खा नहीं सकती, इसलिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ मतलब मैंने आलू कट किया था, थोड़ा सा टमाटर कट किया था, एक से दो हरी मिर्च कट की थी और थोड़ी सी धनिया की पत्ती ले ली थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, मैं मूँगफली के दानों को फ्राई कर रही हूँ, और ये सच बताएं इतनी अच्छी खिचड़ी बनी थी मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। एक आध बार मैंने पहले भी इसको बनाया था नवरात्रि के टाइम पे, बट ये इतना अच्छा नहीं बना था, बट इस टाइम बहुत अच्छा बना था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया था, और ऑयल में मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है क्यूमन सीड मतलब जीरा, और इसमें ऐड कर दिया था जो मैंने ग्रीन चिली कट करके रखी थी ना वो ऐड कर दी। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है आलू। तो अब इसको अच्छे से हम लोग पकाएंगे, और फिर पकाने के बाद में मैं जो टमाटर कट करके रखी वो भी ऐड करूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ नमक, ताकि हमारा ये जो आलू है अच्छे से पक जाए। कभी भी अगर आलू नहीं पके या टमाटर नहीं पके, तो अगर हम नमक डाल दें तो ये ईज़िली पक जाता, इतनी परेशानी नहीं आती। तो ये देखिए हमारा आलू ऑलमोस्ट पक चुका है, ये देखिए मैं इसको चेक भी कर ले रही हूँ। उसके बाद अब मैं इसमें मिला दूँगी थोड़ा टमाटर, मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काटे थे, क्योंकि मुझे पहले ही वाला लग रहा था कहीं अच्छा नहीं बना तो फिर क्या होगा, इसलिए मैंने थोड़ा क्वांटिटी हर चीज़ की थोड़ा ज़्यादा रखी थी, जैसे थोड़ा ऑयल ज़्यादा रखा था और थोड़ा सा टमाटो। तो यहाँ पे देखिए मेरा टमाटर और आलू दोनों अच्छे से गल गया, दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो मेरे चावल हैं मोरधन चावल, वो अगर इसकी क्वांटिटी हम कैसे लें मोरधन चावल की, अगर हमने 1 कटोरी मोरधन चावल लिया है तो धोने के बाद हमें 2 कटोरी इसमें पानी ऐड करना है। इतने ही पानी में 10 मिनट बनाने के 10 मिनट पहले इसको धो करके रख देना है। तो मैंने भी इसको 10 मिनट पहले धो करके रख दिया था। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मेरे आलू टमाटर पक गए थे, उसके बाद मैंने ये चावल जो है मोरधन उसको मिक्स कर दिए मतलब ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, और देखिए इसमें मैंने हल्दी नहीं ऐड की है क्योंकि व्रत में हल्दी नहीं खाई जाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन के हो गया था रेडी, ढक करके मैंने पकने के रख लिया। इतना अच्छा खिला खिला बना था, ऐसा तो जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो। बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया धनिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो मूंगफली फ्राई की थी वो मूंगफली भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था, आप लोग भी इस वे में ट्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब उसको थोड़ा सा और अच्छे से भून देंगे ना तो ये बिल्कुल खिला खिला बन गया था। गुड मॉर्निंग माई टू फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप सब लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। तो बस अभी मैं नहाई हूँ, अभी सुबह के बज गए हैं 8, और नहाने के बाद क्योंकि मेरा कल व्रत था ऋषि पंचमी का, और कहते हैं व्रत के दिन नहाने के बाद ही चाय और पानी कुछ भी खाना पीना चाहिए, नहीं तो व्रत का असर नहीं होता, मतलब व्रत का वो फल नहीं मिलता है। तो मैंने नहा लिया, नहाने के बाद फिर मैं जाऊंगी करूंगी पूजा। उसके पहले मैंने सोचा थोड़ा क्रीम वगैरह लगा लूं और आप लोग से बात कर लूं, क्योंकि मैं वीडियो तो कल रात को स्टार्ट कर दिया था ऋषि पंचमी की पूजा कर के लिए, और आज मैं लेट थोड़ा सा इसलिए उठी हूं, ऐसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ रेगुलर, लेकिन लेट आज इसलिए उठी क्योंकि आज का एक दिन मिलता है मैं थोड़ा सा सो सकती हूँ, क्योंकि मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही थी। और इस समय ऐसा है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत अब ठीक लग रही है, मतलब इतना कंटिन्यू व्रतों के बाद भी मैं अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ। और कल मतलब मंडे को फिर से मुझे मेरा संतान साते का व्रत है जो अपने संतान के लिए किया जाता है, तो वो भी एक व्रत है। उसके बाद तो फिर अभी नहीं है, फिर नवरात्रि में व्रत चालू होंगे। तो चलिए फटाक से मैं कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ पूजा करने।
उसको देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाना है, घर में बनाऊंगी या मार्केट से मंगाऊंगी, देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं छत पे आई हुई थी कपड़े डालने, तो मैं कपड़े डालने का तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये देखिए जहाँ ये यहाँ पे कितने सारे रोज़ेस के कलम आपको दिख रही होंगी, ये वही बाजू वाले अंकल का घर का छत है, जिनके यहाँ से मैं आप लोग को कुछ वीडियोस में उनके यहाँ के फूल के हमेशा पिक्स दिखाती रहती थी। तो मुझे लगा चलो आज इनके छत से इनके घर का व्यू दिखाती हूँ कैसा है। लेकिन अभी इनके यहाँ फ्लावर्स ज़्यादा नहीं हुए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इन्होंने सब्जियां वगैरह बहुत सारी लगा दी, तो वही वही पूरे हो गए हैं पूरे छत में। उसके बाद बस मैं घर आ गई थी, तो यहाँ आज मैंने खाने में बनाया था, वीडियो में मैं दिखा दूँगी आज क्या बनाया था। और उन सब की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई कि लंच की, क्योंकि क्या था ट्यूशन की मैं 2 दिन से कंटिन्यू छुट्टी देती, तो आज मैंने सारे ट्यूशन वाले बच्चों को बुला लिया था, मतलब 2 बार में बुलाया था, एक 10 बजे बुलाया था और एक 11 बजे बैच बुला लिया था। तो बस उनको पढ़ाती गई, और हस्बैंड मतलब पढ़ाते गए थे आज, उन्होंने बोला कि लाओ मैं पढ़ा देता हूँ तुम अपना काम कर लो। तो बहुत सारे कपड़े भी मैंने वॉश किए उसके बाद फिर मैं खाना भी बनाती गई थी। और ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो बस रोटी बची थी तो मैंने कहा चलो इसको भी फटाफट बना लेते हैं। फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे रोटियों बनाने के बाद। तो बस आज मैंने बनाया था बैंगन का भरवा, कढ़ी, और उसके बाद यहाँ पे बनाई थी रोटी और बनाया था चावल। तो बस मैंने आज इतना ही बनाया था खाना। सो गुड आफ्टरनून। तो हम लोग ने लंच कर लिया है, मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए हैं देखिए। और ये वापस से आप सोचोगे ना क्या बना रहे हैं, तो ये मैं बन रही है दाल, क्योंकि आज मैंने आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा मैंने बनाया था कढ़ी, बैंगन का भरवा और क्या बनाया था दाल, और दाल नहीं बनाई थी रोटी और चावल। तो मुझे लगा पूर्णिमा कढ़ी से खा लेगी, पर उसने नहीं बोला मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए दाल बनाओ। तो अभी उनके लिए बन रही है दाल कढ़ी ना। इसलिए नहीं खाई। और सब कोई मुझसे बोलते भी है ना, जब कभी मैं किसी से बोलती हूँ कि पूर्णिमा बहुत चूजी है खाने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि कैसे नहीं खाती, आप डांट के खिलाओ या मार के खिलाओ। तो फिर ये लगता है कि बच्चे को किस किस चीज़ में डांटे हमारे, पढ़ाई के लिए भी मारना पड़ता है डांटना पड़ता है, खेल के लिए भी कुछ ना कुछ या तो मारो या डांटो, क्योंकि खेल में भी इतना परेशान कर देते हैं कि डांट के मना कर देते हैं, करना पड़ता है कि हम नहीं खेलेंगे। और खाने के लिए भी बस मारना शुरू कर दो, तो फिर बस ये लगता है कि बड़े होंगे तो समझ जाएंगे और खुद ही खाने लगेंगे। तो मैं बोला मैं चाहती ना मैं दाल नहीं बनाती, मैं इसको भूखा रखती यार, कब तक भूखी रहेगी। इसलिए मैंने दाल बना देती, कम से कम पेट भर खाना तो खा लेगी, क्योंकि कल उसको ऑलरेडी मार पड़ गई थी। कल मार क्यों पड़ी थी आपको? जो फ्रेश नहीं बन रहा था ना। और तो आप ध्यान लगा के पढ़ाई भी नहीं कर रहे थे। अभी बताऊं प्लीज? अभी याद हो गया ना? हाँ। कर मतलब मार खाने के बाद उनको याद हो गया। चलो बताओ। आपसे याद नहीं हुआ, मुझे अपने पापा से। आधा तो मम्मा ने करवा दिया था। चलो बताओ। आपने वो बोलने में कराया था ना, सब पूरा बताती हूँ मैं। चलो बताओ। India is my country. All Indians are my brother and sister. I love my country and I am proud of it. It's rich and very heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders. And treat everyone with courtesy to my country and my people. I pledge my devotion in their well-being, in their well-being and prosperity alone. Prosperity alone lie my happiness. जय हिंद जय हिंद। चलिए देखिए ये होता है मार का समा से याद हो जाता है। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम आपको इवनिंग में, मैं पूर्णिमा को खाना दे दूँ और हम थोड़ी देर करेंगे आराम। तो ये शाम का समय था, करीब 6-6:30 बज रहे थे, तो मेरे कपड़े ऊपर छत के तो मैं दोपहर में उठा के ले आई थी, क्योंकि वो पहले ही सूख गए थे, क्योंकि मैं सुबह से डाल दी थी तो दोपहर तक मैं अच्छे सूख गए थे।
क्योंकि दोपहर में मतलब अच्छी धूप थी छत पे और वो डायरेक्ट धूप लगती है ना, सूख भी जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे देख सकते हो आज मैंने बहुत सारे कपड़े मतलब इवन पैरदान वगैरह सब कुछ आज धो दिया था, क्योंकि मुझे एक हफ्ते में बस संडे का एक टाइम मिलता है, तो भगवान की दया से आज धूप भी निकल गई थी, नहीं तो फिर से मुझे सारे कपड़े अंदर डालने पड़ते और उन सब में सुखाने पड़ते। तो चलिए ठीक है, मैं सब ला लेती हूँ और उसके बाद अंदर कर लेती हूँ उनको फोल्ड। उसके बाद पूर्णिमा के साथ आज कहीं जाना है, पूर्णिमा कुछ प्रॉमिस किया है हमने, तो बस आज हम लोग को जाना है। सारा काम किया है शाम का, अभी आपने देखा पूर्णिमा की स्टडीज और कपड़े वगैरह सब कुछ रखे हैं, तो आज का दिन भी निकल गया संडे और फिर कल से फिर वापस से काम। बाला वाला करते 11 में छोटा वाला 7 में, सेवन बजने को 5 मिनट्स बचा, 5 मिनट्स बाद क्या हो जाएगा 7 o'clock। और आपको कहाँ जाना है आज? इसलिए प्राणु जाएगी आज बाहर डोसा खाने। छोले और भटूरे, मतलब चेंज हो गया तुम्हारा डिसीजन। हाँ, छोले और भटूरे। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। यही पास में एक चौपाटी, वहीं पे जाके हम लोग खाएंगे छोले और भटूरे। हाँ, छोले का नाम लेते हैं, भटूरे तो खाती नहीं, छोले तो खाती नहीं, छोले खाती नहीं, भटूरे भटूरे खा लेती है बस। तो छोले भी खा लेती है अब तो।